अब तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अब हर एक चीज़ हम पूरे इलाबोरेट वे में समझेंगे कि जो भी टेंस की हम बात कर रहे हैं आप उसको इस्तेमाल कहाँ करोगे, वेयर यू विल यूज़ दैट पर्टिकुलर टेंस, और सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट? सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस क्या है? कोई भी चीज़ जो अभी हो रही है, ठीक है? जब मैं हाल फिलहाल की बात करती हूँ, अभी की जब मैं बात कर रही हूँ, तो वो क्या है? आपका प्रेजेंट टेंस है, राइट? उससे पहले हमने क्या पढ़ चुका है कि अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, चार कैटेगरीज बताई थी. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? अब सिंपल प्रेजेंट आप कहाँ पे यूज़ करोगे? वेयर यू आर गोइंग टू यूज़ द सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? इस्तेमाल कहाँ होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपके सेंटेंसेस? नाउ फर्स्ट इज द हैबिचुअल एक्शन. या हैबिचुअल एक्शन आप किसको बोलते हो? कोई भी आदत जो है. अब आदत क्यों है? देर इज़ अ रीज़न कि हम उसको आदत बोल रहे हैं, एक हैबिट बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ वही चीज़ करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वो चीज़ रिपीट होती है, राइट? तो हैबिचुअल एक्शन, या जिसको हम रूटीन वर्क बोलते हैं, कोई भी विच इज़ ऑल्सो दूसरे उसमें बोला जाए, कोई भी चीज़ विच इज़ अ कस्टम, कोई भी चीज़ जो हमेशा होती है एक, तो वो क्या है आपका? हैबिचुअल एक्शन, या फिर जिसको आप बोलते हो एक पर आदत जो है आपकी, ठीक है? अब जैसे क्या है, सुबह उठ के आप क्या करते हो? देर आर सम पीपल हु ड्रिंक वाटर, ठीक है? सुबह उठ के क्या करते हैं? वो पानी पी रहे हैं. तो ये क्या उनकी आदत है? तो जब हम ये पर्टिकुलर सेंटेंस बोलेंगे, सो दिस विल बी इन व्हाट? सिंपल प्रेजेंट. आई ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, ठीक है? मैं सुबह उठ के पानी पीता हूँ. सिमिलरली आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग. आई होप सब करते होंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो व्हाट, इट इज़ अ हैबिचुअल एक्शन. ये एक क्या है? आदत है या एक रूटीन का पार्ट है. देर इज़ अ रीज़न हम उसको रूटीन बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो हर रोज हो रही है. सिमिलरली आई वॉच टेलीविजन एवरी संडे, मतलब हर रविवार को मैं क्या कर रहा हूँ? टीवी देखता हूँ, ठीक है? आजकल दिस इज़ नॉट द स्टेटमेंट विच इम्प्लाइज टुडे, है ना? आप हर रोज ही टीवी देख रहे हैं, बट से फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि कोई एक शो है जो हर संडे आता है, तो आप उसको देख रहे हो, वो भी क्या है आपका? एक रूटीन का काम है ना? तो आई वॉच टेलीविजन एवरी संडे, और यू कैन सिंपली रिप्लेस द टेलीविजन और एनी ऑफ योर फेवरेट चैनल, या फेवरेट कोई भी आपका प्रोग्राम है उससे आप रिप्लेस कर सकते हो. सो आई वॉच टेलीविजन एवरी संडे, हर संडे को मैं क्या करता हूँ? टेलीविजन देखता हूँ. तो ये क्या है आपका? एक रूटीन का काम है, राइट? सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इन वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. दूसरा एग्जाम्पल है, शी एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग. हर सुबह उठ के वो क्या कर रही है? एक्सरसाइज कर रही है. अब क्या है? ये भी एक रूटीन का काम है, एक आदत है उसकी. सो दिस विल बी इन वर्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो पहला यूज जो हमने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट का, हैबिचुअल एक्शन, या फिर जिसको आप क्या बोल रहे हो? रूटीन वर्क. कोई भी जो आपकी आदत है, कोई भी चीज़ जो आप हर रोज कर रहे हो, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल, किस फॉर्म में वो सेंटेंस होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड यूसेज. और कहाँ पे आप यूज़ करोगे? जनरल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ. कोई भी चीज़ जो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब दुनिया के किसी भी पार्ट में ये क्या है कि भाई आप कहीं भी जाओ ये बात सच सही होगी, ठीक है? भाई ऐसा ही होता है. अब आपको एक स्टेटमेंट जो है वो हमेशा बोला जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब इसका मतलब आपको क्या है कि दिस इज़ वॉट, इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट. ये क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है, राइट? कि भाई आप ये हर दुनिया के किसी भी पार्ट में अगर ये आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, ये क्या है? सही है. अनदर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है. नाउ देर आर एक्सेप्शन कि भाई देर आर सर्टेन फ्लाइटलेट बर्ड्स ऑल्सो, ठीक है? बट जनरल बात कर रहे हैं हम कि भाई जो आपकी बर्ड्स होती है वो क्या उड़ती है? चिड़िया उड़ती है. सो बर्ड्स फ्लाई, तो ये क्या है आपका? इट इज़ अ जनरल फैक्ट और इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. दिस इज़ स्पेशली जो आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, राइट? जैसे कि आपके टू एंड टू मेक्स फोर, ये क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन है. तो ये भी आपका क्या है? इट्स अ जनरल फैक्ट कि भाई दो और दो चार ही बनाते हैं, राइट? सो दिस वॉज अबाउट द यूसेज. पहला हैबिचुअल एक्शन या रूटीन वर्क, दूसरा है जनरल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है? फर्दर इसके और क्या क्या यूज़ होते हैं वो भी हम अभी पढ़ते हैं. अब तक हमने क्या किए? दो यूज़ की पढ़े, ठीक है? किसके? सिंपल प्रेजेंट के, कि भाई सिंपल प्रेजेंट जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. नाउ फर्दर और कहाँ पे आप यूज़ करोगे? वन इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस.
अब क्या वर्ड आया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ कभी कई बार आप जब बहुत व्हेन यू शो एक्साइटमेंट या किसी चीज़ का दुख व्यक्त करते हो और यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग राइट या नर्वसनेस, तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो आपको नर्वसनेस या एक्साइटमेंट बताते हैं वो आपके क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. मतलब क्या हुआ? आपके जो इमोशंस हैं उसको दर्शा रहे हैं, तो वो क्या है आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, हेयर शी गोस और हेयर कम्स द बस. भाई बस आ गई, ठीक है. इफ़ यू आर से फॉर एग्जाम्पल यू आर सिचुएशन है, आप बहुत देर से बस का वेट कर रहे हो और आप देखते हो कि बस आ गई, ठीक है. एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि फाइनली बस आ गई, तो वो क्या बता रहा है? आपका इमोशन बता रहा है, हाई इमोशन बता रहा है. तो यहाँ इस टाइप के सेंटेंस के आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ऑलराइट, तो वेन एवर देर इज अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज एक्सक्लेमेशन. कोई भी चीज़ जो आपके क्या हाई इमोशंस दिखा रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं या फिर दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका वो किस में होने चाहिए? आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में. नाउ मूविंग ऑन टू द अदर यूसेज. और कहाँ पे आप यूज़ करोगे? फ्यूचर इवेंट्स, पार्ट ऑफ अ प्लान और रीअरेंजमेंट. ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पता है कि फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है. जब आपके वेकेशंस पड़ते हैं, से आपके समर वेकेशन पड़े, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में इस पर्टिकुलर डेट पे क्या हो गया, आपके स्कूल खुलेंगे. सो दिस इज़ व्हाट फ्यूचर इवेंट है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान और रीअरेंजमेंट कि भाई ये चीज़ जो है फ्यूचर में ये होगी. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल रीओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. मतलब स्कूल आपके वापस खुलने वाले हैं कब? जुलाई में, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ. अभी जो हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जुलाई में खुलेगा. बट ये क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रीअरेंजमेंट. भाई पहले से हमें पता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो क्या ये फ्यूचर इवेंट है? बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान और अ रीअरेंजमेंट. तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जाम्पल. एग्जाम कमेंसेस ऑन मंडे, मतलब मंडे को आपका एग्जाम होगा. तो ये स्टेटमेंट भी आपका किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है. तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने प्रेजेंट टेंस की जब हमने बात की, वी हैव लर्न अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. कहाँ कहाँ पे यूज होता है? नाउ वी विल लर्न अबाउट, जब हम सेंटेंस लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. नाउ वंस अगेन, प्लीज गो थ्रू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं या सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको ये तीन वर्ब्स हेल्प करेंगे, राइट. सो प्लीज गो थ्रू दैम अगेन, ताकि जब हम सेंटेंस की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करें, तो आपको वो तीनों फॉर्म वर्ब क्या हेल्प करेंगे टू राइट दैट सेंटेंस. ऑलराइट, सो वी विल नाउ लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है. अगर आप सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहे हो, तो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, दिस वी विल लर्न. देर ऑल्सो बिफोर दैट, देर आर थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस. आपके तीन टाइप के सेंटेंसेस हैं. आप वो तीन सेंटेंस कब यूज करोगे, दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न. नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. अगर आप एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप लिखोगे, राइट. सो द फर्स्ट वन हियर यू सी, अफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कोई भी सेंटेंस जो आपको क्या बता रहा है, विच इज पॉजिटिव सेंटेंस. ऐसे कोई भी सेंटेंस जो क्या है, पॉजिटिव इन नेचर, वो क्या है आपके? एफर्मेटिव सेंटेंस. अब उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट, राइट. इसीलिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब में तीनों फॉर्म बताए गए थे, और ये भी बताया गया था कि कुछ सेम होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं. सो प्लीज गो थ्रू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगेन. ऑलराइट, दे इज व्हाट? सब्जेक्ट. दे कोई भी हो सकते हैं, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. प्ले, नाउ प्ले इज व्हाट? दिस इज द बेसिक और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? क्रिकेट. किसके बारे में बात की जा रही है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. जो एक्शन कर रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट की वो एक्शन इन पे इम्प्लाई हो रहा है, वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट.
राइट. सो हेयर इन द एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब क्या हुआ, आपके जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट. सो दे प्ले क्रिकेट. सिमिलरली इफ यू लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, अब आपका ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो क्या है, विच इज़ नेगेटिव इन नेचर. एंड वट इज़ नेगेटिव इन नेचर, या तो कोई भी ओपिनियन हो, ठीक है, कोई भी थॉट है आपका, राइट, ओपिनियन है या कोई भी आपका थॉट है, इफ़ इट इज़ नेगेटिव इन नेचर, ठीक है, जिसमें आपके क्या है, मना किया जा रहा है, तो वो आपके क्या होते हैं, किस टाइप के, नेगेटिव सेंटेंस. अब क्योंकि नेगेटिव है तो हमेशा याद रखना दैट हमेशा उसमें नॉट आएगा. नाउ डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, आप उसके अकॉर्डिंग डू और डज नॉट यूज़ करेंगे. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. आई इज़ द सब्जेक्ट, द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन. डू नॉट, अगर क्योंकि यहाँ पे डू नॉट लग गया तो ये क्या हुआ आपका, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे आई है तो दैट इज़ वाई हमने डू यूज़ किया है. वी होता देन ऑल्सो डू, बट इन केस देर इज़ अ थर्ड पर्सन, ही शी या इट होता तो आप क्या करते, डस. ऑलराइट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ या मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूँ, ये क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस है. क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें नॉट आ गया, राइट, इट इज़ बेसिकली कोई भी ओपिनियन या थॉट क्या है उसके लिए क्या कर रहा है, वो मना कर रहा है. द लास्ट टाइप ऑफ इस टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव, टू इंटेरोगेट समवन, राइट. अगर मैं बोलती हूँ इंटेरोगेट करना का मतलब क्या होता है, कि आप जब किसी से क्वेश्चन पूछते हो, राइट, मूवी में आप देखते हो कि देर इज अ इंटेरोगेशन रूम, जहाँ पे क्रिमिनल है या फिर जिस पे आप पे शक है उनसे आप क्वेश्चन, सवाल पूछे जाते हैं, तो दे आर डूइंग व्हाट, दे आर इंटेरोगेटिंग. सिमिलरली इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें हमेशा डज या डू नॉट आता है. Alright, so we will start the sentence with does or do, and also we will start it with the question sentence. जैसे कि आपका what हो गया, which हो गया, how, ठीक है, तो interrogative, जब question पूछा जा रहा है, और question किस में, simple present tense में पूछा जा रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे, does or do, plus the subject, base form or the first form of the verb, and then the object. Does she sing a song? राइट. अब क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, डज यूज़ किया, ठीक है. अगर मैं आई का यूज़ करती, डू यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, डू, अगर सॉरी यू का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो ये भी क्या है यहाँ पे, इसलिए मैंने डू यूज़ किया, बट क्योंकि यहाँ पे शी है तो मैंने क्या यूज़ किया, डज. डज शी सिंग अ सॉन्ग, राइट. अब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डज या डू आप यूज करोगे, तो यहाँ पे डज यूज किया है, देन द सब्जेक्ट विच इज शी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग, एंड देन द ऑब्जेक्ट विच इज सॉन्ग. ऑलराइट, सो दिस वाज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आप कहाँ पे इसको इस्तेमाल करोगे, द यूसेज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन वी हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वेयर वी हैव लर्न दैट देर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, सॉरी देर आर थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस, और उसमें आप किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे. सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो अगेन, ताकि जैसे जैसे आप नेक्स्ट टेंसेस आप पढ़ते जाओगे, तो दिस विल हेल्प यू टू फ्रेम सेंटेंसेस, एंड दिस विल ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड कि आप एक पर्टिकुलर टेंस किस जगह पे यूज़ करोगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. थैंक यू.